आज बहुजन अधिकार यात्रा खिचड़ीपुर दर्शन पत्र पर आ चुकी है और अब हम बहुजन अधिकार यात्रा दिल्ली में राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी बहुजन अधिकार यात्रा निकाल रही है। दिल्ली में बहुजन समाज का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, आप अपनी राय बताइए। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से मुख्यमंत्री बने पूरी दिल्ली के, और जो भी हमारे से हुआ तन मन से हम साथ। दिल्ली में रोजगार है या नहीं है इस बारे में स्पष्ट करिए। आपकी राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी सबको रोजगार देना चाहती है, आप अपनी राय बताइए। बिल्कुल, अगर पार्टी आती है तो सबको रोजगार मिलेगा और सब यही चाहेंगे कि राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी आए। दिल्ली में एक जो मेन मुद्दा चल रहा है, अब झुग्गी के बदले मकान देना चाहती है राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी, इसके बारे में आप अपनी थोड़ा सा राय बताइए। जी बिल्कुल, झुग्गी के बदले मकान मिलने चाहिए सबको, और सभी लोग चाहेंगे कि पार्टी मैदान में आए और जो बोल रहे हैं वो कार्य पूरा हो। दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री दी है और 201 हो जाए तो उसके पैसे लेती है। आप बताइए, अगर 201 हो तो एक यूनिट के पैसे लेने चाहिए या 200 के छोड़ देने चाहिए, आप अपनी राय बताइए। किसे ने बहुत अच्छा दिए, ये झूठे का केजरीवाल का झूठ पकड़ा गया है और इसको सबक सिखाइए। राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी की बहुजन अधिकार यात्रा सफल करिए और दिखा दीजिए बहुजनों में जो ताकत है। अब तक जिन भी पॉलिटिकल पार्टियों ने शोषण कराया बहुजन समाज को, आज मैं खुले मंच से इनको चेतावनी देता हूं कि माननीय श्री महेश पारचा जी मैदान में आ चुके हैं डंके की चोट पे। अब बहुजन अधिकार यात्रा के माध्यम से बहुजनों का शोषण अंतिम सांस तक हम नहीं होने देंगे। बहुत बढ़िया, नमस्कार। राष्ट्रीय जनता पार्टी।